मानसून हुकूमत कराची को कचरा कुंडी बनाती है। वज़रा के लिए फंड्स हैं, आवाम के लिए नहीं। गाड़ियां खरीदनी हो तो पैसे आ जाते हैं, कोई आफत आ जाए तो फिर क्या करेंगे? क्या मुतासरीन को घर देने तक वजीर आला और गवर्नर हाउस अलॉट कर दें? जिन्होंने जमीनें अलॉट की उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? सुप्रीम कोर्ट का तजावजात केस में इस्तफसार। सिंध हुकूमत की जानिब से बहरिया फंड से 10 अरब के मुतालबे पर चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। आप तो अपने पैसे वसूल कर चुके, इसे बहरिया फंड से क्यों मशरूफ करते हैं? अदालत की सिंध हुकूमत को मुतासरीन की बहाली के लिए 1 साल की मोहलत, 2 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। एमक्यूएम ने तजावजात मुतासरीन को मुतबादल जगह फराहम करने के लिए दरख्वास्त दायर की। उम्मीद करते हैं हमें भी सुना जाएगा। एमक्यूएम रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री पहुंचकर। सिंध में पर्चे आउट होने का सिलसिला न थम सका। पन्नू आखिर में शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी का बीए बीएससी का अंग्रेजी का पेपर वक्त से पहले मंजर आम पर, तलबा सरेआम नकल में मसरूफ। माफियाज तब्दीली नहीं चाहते, मुल्क में हर इलेक्शन मुतनासे हो जाता है, जो हारता है धांधली का शोर मचाता है। करप्ट सिस्टम से फायदा उठाने वाले ईवीएम की मुखालफत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा अगले 2 साल हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आज वज़ीर आज़म से मुलाकात, कप्तान T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का हौसला बढ़ाएंगे। इमरान खान की चेयरमैन PCB रमीज राजा से मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू भी मुतवक्के। पाकिस्तान की अखलाकी पता, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दौरा पाकिस्तान मंसूख करने के खिलाफ दुनिया भर में शदीद रद्द अमल। बरतानवी हुकूमत का क्रिकेट बोर्ड के फैसले से इजहार नाताल्लुकी। हाई कमिश्नर ने कहा कि फैसला ECB ने खुद किया, पाकिस्तान की खिदमात को नजरअंदाज किया गया। इंग्लिश खवातीन खिलाड़ियों का रद्द अमल, मौजूद 2 दिन से सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड। क्रिकेट शायकीन के जज्बाती और तंजिया तबसरे। न्यूजीलैंड को कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि न्यूजीलैंड टीम को तमाम सहूलियात देने की पेशकश की। किवीज क्रिकेट बोर्ड ने हर बात मानने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान को कमजोर बनाने के लिए कई ममालिक ने साजिश की। भारत के अफगानिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ सरमायाकारी जाया हो गई। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि वजीर आजम की कोशिशों से पाकिस्तान मजबूत मुल्क बनकर उभर रहा है। समाजी ढांचे की परवाह किए बगैर अफगानिस्तान को तनखा छोड़ दिया गया। आलमी बरादरी को मदद करनी चाहिए। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती। अकवामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के इजलास से खिताब करते हुए कहा, खुद मुख्तार और जमहूरी फलस्तीनी रियासत ही इसराइली मुस्तकबिल की जामिन है। तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन अकवामे मुत्तहिदा में सफीद नामजद। अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी का UN सेक्रेटरी जनरल से जनरल असेंबली से खिताब का मौका देने का मुतालबा। एंटोनियो गुतरेस की दरखास्त मिलने की तस्दीक। खत मुतालिका कमेटी को इरसाल। कमेटी में अमरीका, चीन और रूस समेत 9 ममालिक के रहनुमा शामिल हैं। शाह महमूद कुरैशी से आयरलैंड और नॉर्वे के वज़राए खारजा की मुलाकातें। तो उतरपा ताल्लुकात बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान को मुमकिन इंसानी बहरान के खतरे से बचाने के लिए मुआवनत फराहम करने पर इत्तफाक। दुनिया कोरोना वैक्सीन की बरवक्त और मसावी तकसीम में नाकाम। हम एक खाई के किनारे पर पहुंच चुके, आलमी बरादरी को जागना होगा। सेक्रेटरी जनरल अकवामे मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस का जनरल असेंबली इजलास से खिताब। बरकरार मजीद 47 मरीज जाबाग। अमवात की तादाद 27,374। 24 घंटे में 2,333 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत शरा 4.56% रही। मुल्क में कोरोना के बाद डेंगू भी सर उठाने लगा। इस्लामाबाद में डेंगू के केसेस में तश्वीशनाक हद तक इजाफा। 2 दिन में 31 शहरी डेंगू का शिकार। 1 हफ्ते में 2 अफराद जान की बासी हार गए। पेशावर में 24 घंटे में मजीद 274 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। यकसा निसाब तालीम से यगानगत की फसा पैदा होगी। वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा कि मदारिस में बिल्कुल मुख्तलिफ तालीम, सरकारी और निजी स्कूल्स में अलग है। जमहूरियत में सबको मसावी हकूक हासिल होते हैं। पाकिस्तान नेवी के बेड़े में जदीद टेक्नोलॉजी से लैस 2 नए टक्स शामिल। तर्जुमान नेवी के मुताबिक पुश टक्स की तामीर कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में की गई। लाहौर के इलाके बरकी में 15 साल नौजवान के कत्ल कर ड्रॉप सीन मुलजिम गिरफ्तार। मकतूल तला का कातल उसका हम उम्र दोस्त निकला। पुलिस के मुताबिक मुलजिम रजा ने जाती अनाथ की बिना पर कत्ल किया। लाड़काना मेरठ तुडेरो लिंक रोड पर देरीना दुश्मनी पर मोटरसाइकिल सवार मुलजमान की फायरिंग से बाप बेटा कत्ल। 2 अफराद जख्मी हो गए। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के डेरे कसूर में मूसलाधार बारिश। बिजली का तरसीली निजाम मुतासर। कराची में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश मुतवक्के।
महकमा जंगलात का पहली मरतबा ड्रोन सीडिंग का तजुर्बा। लाल सुहानरा में ड्रोन के जरिए 8 एकड़ अरासी पर कीकड़, बे, जंट और पर्राश की तजुर्बाती प्लांटिंग की गई। सेक्रेटरी जंगलात शाहिद जमान का कहना है कि तजुर्बे के नतायज मस्बत आए तो दीगर अजला में भी आजमाएंगे। वफाक की हुकूमत का पोस्ट ताश करने वाले इलाकों में अद्वियात की सनतें लगाने का फैसला। वजारत सनत ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मरासला इरसाल कर दिया। सूबाई हुकूमत से हतमी राय तलब, जामे रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। मीडिया इंडस्ट्री को दरपेश चैलेंजेस और कारकर्दगी में बेहतरी लाकर मुस्तकबिल के लिए अमल की तश्कील। यूनिवर्स की सीनियर टीम के लिए तुर्की में 7 रोजा तरबियती वर्कशॉप जारी। नई बात मीडिया नेटवर्क के एंटरटेनमेंट समेत दीगर चैनल्स की लॉन्चिंग के लिए खसूसी मनसूबाबंदी भी की गई। नई बात मीडिया नेटवर्क के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने कहा कि तरबियत और अपनी कोताहियों का जायजा लिए बगैर चैलेंजेस का मुकाबला मुमकिन नहीं। कैनेडा के इंतखाबात पर सीजासन जस्टिन ट्रूडो की जमात ने मैदान मार दिया। लिबरल्स ने 158 नशस्तें हासिल कर ली। हुकूमत बनाने के लिए 170 नशस्तें दरकार। कंजर्वेटिव पार्टी ने 119 नशस्तें हासिल की।